नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, वीकेंड के वार के एपिसोड में प्रियंका चहर चौधरी को सलमान खान करने वाले हैं बुरी तरह से टारगेट। सलमान खान चाहते हैं कि प्रियंका चहर चौधरी जो हैं जो गलती नहीं की है वो गलती को माने और प्रियंका चहर चौधरी जो है लोगों के दिल और दिमाग में विलन बन जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन हाँ, प्रियंका चहर चौधरी पूरी तरह से टूट जाएंगी और टूटी हुई प्रियंका के साथ यहाँ पर शिव ठाकरे जो है अपना धर्म निभाएंगे और दुश्मनी जो है वो पूरी तरह से भुला देंगे और उसके पास जाएंगे, उन्हें समझाते हुए नजर आएंगे और ये सब देखकर सलमान खान के भी पूरी तरह से होश उड़ने वाले हैं। सलमान खान को भी 440 वोल्ट का सबसे बड़ा वाला झटका लगने वाला है। क्या है बात, क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। आपको बताना चाहते हैं, प्रियंका चहर चौधरी को सलमान खान कहेंगे कि आपने गलती की, बात को मान लो। 25 लाख रुपए को ना चुनकर आप अंकित गुप्ता को बचाया, वो आपका पर्सनल रीजन था, लेकिन आपने साजिद खान को कैसे टारगेट किया? जब साजिद खान ने सुम्बुल को बचाया, वो भी तो एक धर्म निभा रहे थे, तो आपका और उनका बीच में डिफरेंस कैसे हुआ? ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आएंगे प्रियंका चहर चौधरी पर सलमान खान बरसते हुए नजर आने वाले हैं और पूरी तरह से प्रियंका चहर चौधरी इसके बाद टूट जाएगी। और प्रियंका चहर चौधरी को टूटा हुआ देखकर अंकित गुप्ता उनके पास होंगे, लेकिन शिव ठाकरे का दिल भी पूरी तरह से पिघलने वाला है और वो देखेंगे जब प्रियंका के आंखों में आंसू होंगे, प्रियंका फूट फूट कर रो रही होंगी, तब प्रियंका के पास वो जाएंगे और साथ ही साथ प्रियंका के पास जाकर उन्हें समझाते हुए हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे। यहां पर देखो, हर चीज का जो है दो पहलू होता है। तुम इससे पहले जो है इस दौर से नहीं गुजरी, लेकिन मैं इस दौर से बिग बॉस के मराठी में भी गुजर चुका हूं और यहां बिग बॉस सीजन 16 में भी गुजर चुका हूं। जब मैंने अर्चना गौतम के साथ जो इंसिडेंट किया था, वहां पर भी मैं पूरी तरह से सही था, गलत नहीं था, सही था, लेकिन भी वहां पर मुझे गलत ठहराया गया। और ठीक इसी तरह से तुम भी यहां पर सही हो, लेकिन गलत तुम्हें बताया जा रहा है, गेम के लिए किया जा रहा है और गेम के लिए तुम्हारा जुनून और तुम्हारा जो जोश है वो तुम्हें आगे ज़रूर लेकर जाओगे। टेंशन ना लो, ये सब एक गेम का पार्ट है, ये हिस्सा है। ये बात बोलते हुए शिव ठाकरे जो है अपना धर्म निभाते हुए नजर आएंगे और शिव ठाकरे ना सिर्फ निभाते हुए नजर आएंगे बल्कि शिव ठाकरे हौसला भी अफजाई करने वाले हैं प्रियंका चहर चौधरी का। और ये देखकर यहाँ पर अर्चना, निमृत और साजिद खान तीनों का जो घमंड है वो चकनाचूर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन लोगों को तो लगता है कि शिव ठाकरे उन्हीं के आगे पीछे घूमते हैं और इन्हीं के आगे पीछे घूमना चाहिए, लेकिन शिव ठाकरे ने अपनी इंसानियत दिखाई। शिव ठाकरे ने टूटी हुई प्रियंका के पास गए और प्रियंका को वो समझाने लगे, तो ये बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर से। तो ये बात, ये खबर जो है वो निकल कर सामने आ रही है, सोचा हम आप सभी दर्शकों के साथ शेयर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो इस वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, लाइक कमेंट शेयर नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।